नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु वाजपेयी। दोस्तों, अगर आप टर्नर ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं, यानी अगर आपने आईटीआई के लिए आवेदन किया, उसमें टर्नर ट्रेड आपकी मिली है, तो आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि टर्नर ट्रेड के आखिर फायदे व नुकसान क्या क्या हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर टर्नर ट्रेड से आईटीआई करने के फायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। दोस्तों, वैसे तो आईटीआई किसी भी ट्रेड से आप कंप्लीट करें, आईटीआई मतलब 100% जॉब। आईटीआई की कोई भी ट्रेड हो, प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी जरूर निकलती हैं। वैसे ही ये टर्नर ट्रेड है, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ टर्नर ट्रेड के आखिर फायदे क्या हैं। दोस्तों, टर्नर ट्रेड का सबसे बड़ा और अच्छा फायदा है कि टर्नर ट्रेड के अंतर्गत जो इसका कोर्स होता है, यानी टर्नर में आपको एक लिथ मशीन यानी खराद मशीन के बारे में जानकारी दी जाती है, जो कि सभी मशीनों की जननी है। यानी टर्नर ट्रेड में जो सिखाया जाता है वो लिथ मशीन के बारे में। लिथ मशीन विश्व की सबसे पहली ऐसी मशीन है जो सभी मशीनों को बनाने में उसका योगदान है। तो उसका जो पाठ्यक्रम होता है वो बहुत संकुचित पाठ्यक्रम है, यानी आपको इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। लेथ मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, मटेरियल है, या फिर बहुत सारे जो कॉमन चैप्टर हैं वो पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। यानी इसमें बहुत सारी मशीनों के बारे में ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। तो ये भी फायदा इसका हो सकता है कि इसका जो पाठ्यक्रम होता है वो आसान होता है और संकुचित होता है। दूसरा नंबर कि टर्नर ट्रेड से आईटीआई करने के बाद आपको बेरोजगारी का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आईटीआई टर्नर ट्रेड से कंप्लीट कर चुके होंगे, वो जो देख रहे होंगे तो वो लोग तो कोस रहे होंगे कि सर, मैंने तो आईटीआई टर्नर ट्रेड से कंप्लीट की थी और आज मैं बिल्कुल बेरोजगार घूम रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप में थोड़ा सा स्किल है तो टर्नर ट्रेड से आईटीआई करने के बाद कोई भी बेरोजगार नहीं घूम रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्राइवेट सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग हो या मेंटेनेंस कंपनियाँ हों या फैक्ट्रियाँ हों, वो टर्नर ट्रेड को खास तवज्जो या वरीयता देती हैं। टर्नर ट्रेड की वहाँ काफ़ी संख्या में मांग होती है। टर्नर ट्रेड से जो स्किल युवा हैं वो लोग उन लोगों को मिलते नहीं हैं। प्राइवेट कंपनियों को वो ऐसे लोग मिलते नहीं हैं कि जिनके पास जानकारी हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आईटीआई गवर्नमेंट सेक्टर से कर लिए, कंप्लीट कर लिए, सर जी भी पढ़ाए नहीं, अपने आप खुद भी पढ़े नहीं, अप्रेंटिसशिप भी किए नहीं, अप्रेंटिसशिप करने के बाद में भी जानकारी मिल जाती है तो वो भी कंप्लीट नहीं किए, करें कि सर मैं बेरोजगार हूँ। तो बेरोजगार तो आप हैं और रहेंगे भी बेरोजगार। अगर आपको जानकारी ही नहीं है, आप जिस ट्रेड से आईटीआई किए हो उसका प्रैक्टिकली जाने नॉलेज नहीं है, थ्योरिकली नॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की जानकारी नहीं है, तो आप बेरोजगार तो रहेंगे ही। फिलहाल टर्नर ट्रेड से आईटीआई करने के बाद बहुत कम लोग बेरोजगार रहते हैं, वही लोग बेरोजगार रहते हैं जिनको जानकारी का अभाव होता है। तीसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसका फायदा है कि टर्नर ट्रेड से आईटीआई करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर की बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती हैं, जिसमें आपका भारतीय रेल में आपको लोको पायलट की जॉब मिल सकती है, टेक्नीशियन की जॉब मिल सकती है, और भी भारत सरकार के जो अधीन जितने उपक्रम होते हैं, डिफेंस के होते हैं, नवरत्न कंपनियाँ होती है, महारत्न कंपनियाँ होती है, मिनी रत्न कंपनियाँ होती हैं, वहाँ भी टर्नर ट्रेड की वैकेंसी निकलती हैं, तो वहाँ भी आपके लिए अवसर है। चौथा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि स्वरोजगार के अवसर। टर्नर ट्रेड एक ऐसी ट्रेड है जिसकी डिमांड आपके चौराहे से लेकर के शहर और गांव, गली सभी जगह में होती है। अगर आपका थोड़ा सा भी, मान लिया आप ट्रैक्टर चलाते हैं गांव में हैं, तो ट्रैक्टर की कपलिंग या शाफ्ट कहीं भी अगर बेंड होता है, टूटता है, उसमें थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है, तो थ्रेड कौन बनाएगा? जो लेथ मशीन चलाता है। लेथ मशीन कौन चलाएगा? टर्नर ट्रेड वाला। तो अगर आप अपना थोड़ा सा MSME के माध्यम से भी अगर थोड़ा सा आपको फंडिंग मिल जाए, या आप घर से भी थोड़ी सी फंडिंग करके एक लथ मशीन लगा करके अपना काम आसान से स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा स्वरोजगार का ये तरीका है कि खुद का अपना व्यवसाय कीजिएगा। अब हम आते हैं इसके नुकसान पे। दोस्तों, जैसा कि सभी लोगों को पता है कि जिसके फायदे होंगे उसका नुकसान भी होगा, वैसा ही इस ट्रेड में भी है। टर्नर ट्रेड में बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार टर्नर ट्रेड की क्या ट्रेड कर लिए। तो दोस्तों, ये इसलिए कहते हैं कि सरकारी यानी गवर्नमेंट सेक्टर में टर्नर ट्रेड की वैकेंसी कम संख्या में निकलती है। अगर मशीनिस्ट की 50 वैकेंसियाँ होंगी तो टर्नर की वहाँ पे 10 वैकेंसी होंगी, फिटर की 70 वैकेंसियाँ होंगी तो टर्नर की 20 या 25 वैकेंसी होंगी। 50 वैकेंसी अगर गवर्नमेंट सेक्टर में निकल जाएँ तो यानी बहुत वैकेंसी निकल गई टर्नर के लिए।
तो सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा नुकसान यही है कि टर्नर ट्रेड से आईटीआई करने के बाद इसमें वैकेंसी बहुत नहीं निकलती हैं, बहुत कम संख्या में वैकेंसी निकलती हैं, 5, 10, 15, 20, 25। लोको पायलट में अगर चले जाएंगे तो वहाँ पे जो ट्रेड का दिखाता नहीं कि कितने कौन से ट्रेड वाले, तो उसमें सभी लोग होते हैं। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है कि टर्नर ट्रेड से सरकारी जॉब में कम चांस मिलते हैं क्योंकि वैकेंसी कम रहती हैं। दूसरी बात यह है कि टर्नर ट्रेड एक हार्ड वर्किंग ट्रेड है। आप इसमें यानी लेथ मशीन पे आप काम करेंगे तो उसमें खड़े रह के काम करना पड़ेगा, पूरा बिल्कुल लग के काम करना पड़ता है, तो हार्ड वर्किंग ट्रेड है। इसका ये एक नुकसान गिना सकते हो, वैसे नुकसान तो नहीं है क्योंकि आईटीआई यानी टेक्नीशियन यानी हार्ड वर्कर, अगर आप काम नहीं हार्ड करेंगे तो आप टेक्नीशियन कैसे हैं, तो ये एक नुकसान हो सकता है। और हमें इसमें कोई भी ऐसा नुकसान नहीं नज़र आया इस ट्रेड में। लगभग 4 या 5 टेक्नीशियन जो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं उनसे भी हमने कॉल करके पूछा, जो अनुदेशक हैं उनसे भी हमने जानकारी ली कि सर ऐसे क्या नुकसान हो सकते हैं टर्नर ट्रेड से आईटीआई करने के, तो कोई ऐसा नुकसान नहीं है। बाकी जो हमने बताया है ये स्टेप बाई स्टेप, यही दो नुकसान है इसमें कि इसकी वैकेंसी कम निकलती हैं और इसमें काम ज़्यादा करना पड़ता है, यानी इसकी हार्ड वर्किंग होती है। बाकी इसका कोई नुकसान नहीं है। आपको आईटीआई में टर्नर ट्रेड का चुनाव हुआ है या टर्नर ट्रेड आपको मिली है तो आप बेझिझक आईटीआई कीजिएगा इससे। बाकी हाँ ये है कि आप जानकारी के साथ आईटीआई कीजिए, टेक्निकली अच्छी तरीके से प्रिपेयर होइएगा, प्रैक्टिकली थ्योरिकली दोनों अच्छी तरीके से तैयार होकर आईटीआई कीजिएगा, जाहिर है कि आप सफल होंगे। थोड़ा सा ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।